लोगे मैं कह रहा हूँ कि मेरी बाइक तेरी उससे बहुत ज्यादा फास्ट है। क्वाड बाइक है भाई, तो देख लियो वो मेरे पास दो पहिए और मेरे दो पहिए तेरे चार पहिए। लेट्स गो, वन टू थ्री, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। एंड क्या बात है, मैं जीत गया। सबसे पहले मैंने छलांग मारी। ओके बड़ा वेदर खतरनाक होने वाला है। काम करते हैं गाइस, घर चलते हैं और आपको आज की प्लानिंग बताती है। तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे दुबई सिटी में। और आज कहां पर तू? पोर्टल के अंदर से मैं जा रहा हूँ। कहां चला गया ये? पोर्टल के अंदर से गाड़ी चला रहा हूँ। सीरियसली पोर्टल के अंदर? तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है बम्मी और मेरे को भी लेके जा, मेरे को भी जाना है। और आज हम खेल रहे हैं क्रिएटिव में और आज हमें चीफ ने खतरनाक वाली जॉब देकर रखी है। और वो जॉब है कि हमें चीफ ने बोल कर रखा है कि चीफ का घर नीचे से तोड़ दो और उस घर के अंदर हमें चीफ के लिए बनाना है एक गेमिंग सेटअप। भाई सारे लोग आजकल गेमिंग की दुनिया में आ चुके हैं तो चीफ बोल रहा है हाँ हाँ हाँ। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि उसको भी गेमिंग सेटअप चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरे ब्रांड स्पैंकिंग न्यू पार्ट्स बिल्कुल अमेरिका से मंगा कर रखे हैं और वो कुछ ही देर में आते होंगे। आई थिंक कल तक वो आज देख लॉगी पार्किंग कर रहा हूँ भाई। कहाँ पे पार्किंग कर रहा है? मेरे घर के अंदर ले जाएगा यहीं पे। हे लॉगी, अभी तक तो डिलीवरी आ जानी चाहिए थी ना यार। भाई मैंने डिलीवरी यहाँ पर नहीं दिया भाई, उस मैंने डिलीवरी का एड्रेस रनवे के दूसरे साइड पर दिया। इसे लुक, मैं अपनी बाइक लेके आता हूँ और गाइस चेकआउट करते हैं कितनी डिलीवरी लेट की हो चुकी है। भाई हमने पूरी एक्सप्रेस एकदम खतरनाक एक्सप्रेस एकदम खतरनाक वाली एक्सप्रेस डिलीवरी करा कर रखी थी और अभी तक गाइस डिलीवरी का अता पता कुछ भी नहीं है। तो हमने गाइस क्या बात है, हमने पूरे 50 डायमंड्स देके खतरनाक वाला सेटअप मंगा कर रखा डिलीवरी। ओके लॉगी, आई डोंट थिंक ये मेरी बाइक पर आएगा तो देख मेरी ऊपर गिर गई तो ले लेके देने पड़ जाएंगे। hey, रुक तो सही ना, मुझे सबसे पहले डिलीवरी की चीजें चेकआउट करने दे। अभी आधी चीजें तो उन्होंने भेजी भी नहीं। oh, यार no. मैंने अबे रुक, अबे टूट जाएगा सामान, बहुत महंगा सामान हम लेके आए हैं। और लॉगी आराम से चलो जी, इसके अंदर बहुत खतरनाक वाला प्रोसेसर है। तो हमने खतरनाक AMD वाले ग्राफिक्स कार्ड, NVIDIA वाले ग्राफिक्स कार्ड, चपाती वाले ग्राफिक्स कार्ड, लॉगी वाले ग्राफिक्स कार्ड, सारे लिमिटेड एडिशन हमने कहा जा रहे हैं परवाएगा। तो पूरा गेमिंग सेटअप गाइस चीफ का रेडी है और बस हमें जाके इसको अंदर से बिल्ड करना है। तो गाइस हमने सोच कर रखा है, यस हमने सोच कर रखा है कि ये जो पूरा बॉटम फ्लोर है ना, जो नीचे वाला फ्लोर है, ये सारा तोड़ देते हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे गाइस चीफ के लिए एकदम लेजेंडरी मॉडर्न सेटअप जिसकी कीमत होगी $10 million, सब कुछ खतरनाक वाला। आ गया भाई, मैं पीछे हो जाऊं यार तू क्यों? लॉगी इसको देखे कैसे दरवाजे के पास छुप छुप के। मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीफ ने हमारे ऊपर बंदे छोड़ कर रखी है। निकल, हम बना रहे हैं सेटअप, टेंशन मत कर, एकदम बढ़िया ब्रो, वो भी हाँ कह रहा है, एकदम खतरनाक वाला सेटअप बनाएंगे। ओके तो मैं चाहता हूँ कि गाइस सेटअप का मुंह होना चाहिए इस तरफ ताकि बाहर से एकदम नेचुरल लाइट भी सेटअप के ऊपर आनी चाहिए। और सिर्फ चीफ के पास तो एक एडिटिंग वाला लैपटॉप भी है, इसको खोलते कैसे? अरे दो रख दिए गलती से यार। अरे क्या भाई, तो एकदम गेमिंग लैपटॉप लग रहा है यार मेरे को तो। साथ में यहाँ पर एक कंप्यूटर ये रहा और एक कंप्यूटर ये रहा और बिल्कुल कोने में गाइस मैं सोच रहा हूँ कि चीफ के लिए छोटी मोटी अलमारियां भी रख लेती हैं। भाई इसका बेड तो बड़ा ओपी हो गया यार। और कितना शाही बेड है भाई, चीफ का बेड एकदम खतरनाक है। और यहाँ पर कोने में मैंने चीफ को देख रखा एक रेडियो। क्या बात है, इसके ऊपर हमारे गाने सुनेगा। उतर ले भाई, तू उतर ले प्लीज, उतर ले भाई। मैं कुर्सी टेस्ट कर रहा हूँ भाई। कुर्सी क्या टेस्ट कर रही होती है, लगाऊं तेरे को मैं? सस्पेंशन देख रहा हूँ। ये वाला कंप्यूटर तोड़ लेते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगा के रखते हैं, ठीक है ना? टीवी रख देते हैं, ये टीवी दीवार के ऊपर लगा। वो क्या बात है, तो ये ठीक है गाइस, अगर चीफ को स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो तो ये मॉनिटर, नीचे वाला कंप्यूटर देखो ऊपर वाला, यहाँ पर लैपटॉप। भाई चीफ को तो क्या कहने, एकदम खतरनाक वाला सेटअप चीफ ने बना कर रखा है यहाँ पर। ये मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ बोल। काम कर, तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉक रख देते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे टीवी रख देते हैं, ऐसे एकदम लेटे लेटे टीवी देखेगा ये। क्या बात, चैनल पे चलते, व्हाट वो चैनल चलते हैं, चपाती चैनल, चपाती चैनल पे क्या आएगा, पावर ऑन, फाइल लोडिंग। अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाइस चीफ के बेड के साथ एक छोटा सा टेबल भी रख लेते हैं और यहाँ पर ये तो बहुत पुरानी डेकोरेशन हो चुकी है, नई डेकोरेशन के साथ हम चीफ का घर एकदम यहाँ पर बनाएंगे। ओ भाई
ऑलरेडी गाइस मेरे को ओपी लग रहा है। और यहाँ पर गाइस चीफ के लिए मैं कुछ नई बुक शेल्फ भी लेके आया हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसके अंदर बुक भी रख सकता हूँ। इसके अंदर बुक कैसे रखते हैं और अगर है तो काम करते हैं, अगर मैं क्रिएटिव में जाके अपने यहाँ पर बुक्स निकाल लूँ और बुक के मैं यहाँ पर रख लूँ तो एकदम डेकोरेशन जो है चीफ की, वो क्या बात है, एकदम पड़ाकू चीफ हो चुका अपना। तो चीफ ने मेरे को बोल कर रखा था गाइस कि यहाँ पर बाहर बैठने के लिए उसके लिए एक बेंच भी लगाना है, तो लीजिए चीफ का एक बेंच। और मुझे पता है गाइस कि चीफ को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होने वाली है, तो वैसी डिस्टरबेंस को रोकने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी बेल भी लगा कर रखी है। और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो अभी दबाइए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा। ए भाई मैं दूर से बड़ा लैंप लेकर आया भाई, ये येलो वाला मैं सोच रहा हूं यहां पर लगा देते हैं ये वाला। चल ठीक है यहां पर भी ठीक है। और लॉगी मैं सोच रहा हूं कि कभी-कभी लॉगी अगर चीफ फेस कैम करेगा जो कि तो बिल्कुल करता भी नहीं है, तो उसको शीशा देखने के लिए एक ब्लॉक तो चाहिए ना। और इसी ब्लॉक के ऊपर गाइस हम चीफ के लिए शीशा भी लगा कर रखेंगे। फेस रिवील, घुस जा अंदर ही घुस जा। और फाइनली गाइस मैं सोच रहा हूं कि यहां पर थोड़े बहुत मैं कर्टेंस भी लगा देता हूं, क्योंकि बाहर से बहुत हार्श लाइट आ रही है जो चीफ के फेस के ऊपर पड़ेगी और इसका पूरा फेस कैम बिगड़ सकता है। लॉगी कहां चला गया तू? ये देखो भाई मैं बाहर डेकोरेशन कर रहा हूँ, ये देखो कहाँ पर है तू? ये डोर के बाहर, ये मैंने यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ये देखो स्टिक लगा रहा हूँ भाई मैं ऐसे। ओ ये तो लॉगी मैं काम कर रहा हूँ, ये वाली जगह भी तोड़ देते हैं। और मेरे पास ड्रिल मशीन है इधर आ, ये वाली जगह तोड़, मेरे पास ड्रिल मशीन है। और यहाँ पर हम छोटी सी किचन बनाएंगे चीफ के लिए, सारी तोड़ दे ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत छेद कर दो, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत छेद कर दो पूरी ये छोटा सा किचन। आई थिंक इतना किचन काफी होगा चीफ के लिए ना, ठीक है ना भाई इतना आई थिंक काफी होगा स्टेयर। और मेरे पास कुछ मैंने चीफ के लिए यहाँ पर चेस्ट रखा था, कहाँ चला गया? मैंने तोड़ दिया, मैंने यहाँ पर बैक साइड टेबल रखा। जाने दे लॉगी, एक यहाँ पर रूल लगा ले, एक यहाँ पर लगा लेते हैं और एक यहाँ पर लगा लेते हैं और एक, अरे आई थिंक ज्यादा लाइटें नहीं लगानी मेरे को, अरे एक दो लाइटें किचन में भी लगानी है, एक यहाँ पर लगानी है और एक चीफ के बिल्कुल बेड के ऊपर। अभी लॉगी सारी लाइटें कनेक्ट करते हैं मेन पावर के साथ और जैसे ही हम चलाएंगे ना स्विच कहाँ पर लगाएं? स्विच इसका यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर लगा दे, चला ऑफ करियो, ऑफ कर। ओए क्या बात है यार, चीफ तो हमारा देख एकदम खुश हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे किचन का काउंटर बनाना है, यहाँ पर तो सीढ़ियां मैं तोड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि चीफ अभी ऊपर जाने की उसको कोई ना कोई जरूरत पड़ेगी। लगा देंगे तो यहाँ लैडर लगा देंगे। तो ये है उसका सिंक, ये है उसका छोटा सा टिफिन जो घर से खाना लेके आएगा तो वो टिफिन यहाँ पर रखेगा। ये है किचन का काउंटर जहाँ पर बैठ के वो सब्जियां वगैरह काट सकता है। और ये रहा उसका गाइस माइक्रोवेव, ऑब्वियसली खाना गर्म करने के लिए इसको कोई ना कोई सुविधा तो चाहिए होगी ना। एक किचन के अंदर नलका कौन लगाएगा यार, ये पीछे लगा एक काम करते हैं, ये एक टेम्पररी है, ये बाहर रखते हैं। और मामा ये मीठे पानी का नलका किचन के अंदर होता है, तेरे को पता नहीं है कुछ भी? देखो ये ब्रो नाइस, और नाइस नाइस, चीफ को खाना बनाना वैसे आता नहीं है। ओके अभी चीफ का स्कैनर कहाँ पे रखना लॉगी मेरे को ये बता। ये देख मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्कैनर भी है, तो एक काम करते हैं स्कैनर मैं इसके लिए यहाँ पे रख लेता हूँ। क्या बात है, ये स्कैनर है तवा है, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या ये। और फाइनली गाइस अभी आता है हमारे चीफ का रूटर, तो एक रूटर चीफ ने बोला मेरे को यहाँ पे लगाना है। और चीफ ने स्पेशली मेरे को बोला कि कमरे के अंदर होने चाहिए दो रूटर्स ताकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोफा यहाँ पर और एक सोफा यहाँ पर, अगर चीफ से कोई मिलने आता है लॉगी तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और लॉगी ने भाई एकदम व्हाट ऑटोमेटिक डोर चीफ के लिए, क्या बात है एकदम खतरनाक। और गाइस ये कोई मामूली सेटअप नहीं है ब्रो, ये स्पेशली कस्टम सेटअप है जहां पर वो अपनी गेम ही खेल सकता है चीफ, और इसी कमरे से पूरे गांव के ऊपर नजर भी रख सकता है। तो इस तरफ आता है मेरा घर, बिल्कुल ठीक पीछे आता है लॉगी का घर। और ये रही गाइस हमारे पूरे दुबई सिटी का जो मेन टाउन हॉल है, वहां पर भी देख सकता है, तो एकदम चालू बंदा यार ये चीफ भी। और फाइनली गाइस शाम की चाय, और क्या बात है नजारे देखो लॉगी इधर बाहर भाई, नजारे देख भाई एकदम यहाँ पे बैठ के भाई चिलिंग एकदम चिलिंग। तो गाइस एक बार फिर से मैं गाइस जाने से पहले मैं आपको चीफ का सेटअप दिखा देता हूँ। तो ये रही गाइस उसकी दो दो स्क्रीन है, कंप्यूटर, एक स्पेयर लैपटॉप, टाइम भी एकदम 7 बज चुके हैं, पूरे 9 बजे आने वाला है चीफ और बिल्कुल हमें सब कुछ रेडी करना है। ये रहा उसका शीश, उतर भाई मैं सोफा टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट क्या करना है इसको। और ये रही गाइस उसकी मेन स्विच जो कि मैंने ऑफ करके रखी हुई है, और ये रहा उसका मेन किचन। अभी गाइस चीफ को बुलाते हैं और दिखाते हैं चीफ को सेटअप कैसे लगेगा। तो ये रहा गाइस हमारे गांव का चीफ जिसके लिए हमने एक ब्रांड न्यू सेटअप बना कर रखा है। तो क्या कर रहा, गाजरे खराब हो जाएगी, बाइक निकाल यहाँ से, निकल यहाँ से। तो चीफ भाई अंदर जा, तेरा सेटअप एकदम से रेडी है, बहुत महंगा ब्रो, अंदर जा, चल अंदर जा। तो लीजिए गाइस चीफ तो एकदम एंजॉयमेंट पूरी कर रहा। अबे गधे कौन सा बटन दबा दे तूने, सेटअप के अंदर पूरा सेटअप तू घंटियां क्या बजा रहा है अब घंटियां बजा। ओबे टेबल पर खड़ा हो गया है, ओ खोते कहां पे रही है, ओ माय गॉड किधर गई,
पागल है यार ये चीफ भाई, इतनी मेहनत से हमने सेटअप बना के रखे और ये पूरे सेटअप इस चीफ ने फोड़ दिया यार। मेरे को 50 डायमंड का ये सेटअप पड़ा था, नहीं 50 लाख डायमंड का सेटअप पड़ा था, ये डायमंड मैं तेरे से लूंगा। इसको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल आता भी नहीं है, मेरे को लगता है इसने पावर की जगह ब्लास्ट का बटन दबा दिया यार। एकदम पागल है गधा यार चीफ, मैंने इतनी मेहनत से सेटअप बना के रखा था यार। तो चलिए गाइस, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे सेटअप के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।